सो हाँ जी, म्यूजिक एडिक्ट दिस साइड। तो भाई जैसा कि मैंने तुम्हें कई सारी वीडियोस में बता रखा है कि भाई करण भाई के इस साल बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और कोलैब्स आने वाले हैं। तो हाँ जी, जैसा कि वो हर साल अपने बर्थडे के दिन यानी कि 18 जनवरी के दिन कुछ ना कुछ जरूर रिलीज़ करते हैं, तो इस बार की भी उन्होंने अपडेट दे दिया। सारी कुछ इन्फो बताऊँगा मैं तुम्हें, म्यूज़िक वीडियो वगैरह क्या क्या चीज़ें सारा कुछ बता दूंगा, देखते रहो। तो बिना वक्त गवाएं आपको बताऊं तो भाई सबसे पहले तो ये बता देता हूं कि भाई ये कैसे कन्फर्म होता है कि भाई 18 जनवरी यानी कि बर्थडे के दिन कुछ ना कुछ जरूर रिलीज होगा। तो ये जानकारी भाई खुद ही अपने ऑफिशियल पेज से ही करण भाई ने दिया। उन्होंने स्टोरी लगाई थी जैसे कि तुम आगे देख सकते हो, जिसमें कि उन्होंने खुद ही बोला था कि भाई इस दिन कुछ ना कुछ जरूर आएगा, तो देख लो तुम। मेरे जान देते छूंगा यार, कुछ ना कुछ, कोई टेंशन लो यार बाबा, ओके ओके ओके, गाने आ रहे थे बाबा। तो भाई ये तो कंफर्म हो गया कि चलो कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा 18 जनवरी को, लेकिन क्या होगा? तो भाई मोस्ट प्रोबेबली ऑलमोस्ट यूँ लगा लो कि 100% ही ये चांसेस है कि बादशाह के साथ वाला जो बादशाह की एल्बम में कोलैब होने वाला है करण भाई का, उस ट्रैक का म्यूजिक वीडियो रिलीज होगा। मोस्ट प्रोबेबली तो ये चांसेस है, मतलब कि कई सारे प्रूफ्स है। वो ये कि भाई कुछ दिनों से लगातार एक दो दिन से भी स्टोरीज एक्सचेंज हो रही है, एक दो तुम आगे भी देख सकते हो, और फिर एक स्टोरी से रिलेटेड तुम्हें एक चीज भी बताऊंगा। ये कौन है बाबू भैया? बाबू भैया ये कौन है? तो भाई ये जो स्टोरी तुम स्क्रीन पे देख रहे हो, ये स्टोरी बादशाह ने शेयर करी थी, तो इसमें तुम देख सकते हो। बाकी एक और फोटो तुम्हें स्क्रीन पे दिख रही होगी, तो भाई मेरे हिसाब में ये शूट कंप्लीट होने के बाद की फोटोज है, एक दिन का शूट कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि तुम्हें दिख रही होगी कि भाई गले में डायमंड चैन पहनी हुई है करण भाई ने, के कारनौजला वाली। तो भाई सिंपल बैठे हुए बातें करते हुए तो क्यों ही पहन के रखेगा, कोई शूट वूट होगा तभी पहन के रखी होंगी। वैसे भी इसका शूट शायद हो भी चुका है कंप्लीट। बाकी चलो ये तो शूट की अपडेट इन्फॉर्मेशन है, पहले ये और कंफर्म करवा देता हूँ कि भाई एल्बम में कोलैब होगा या नहीं 100%, क्योंकि कई बार होता है कि बातें चलती रहती है फिर होता नहीं है। तो ये चीज खुद लाइव वीडियो में कंफर्म कर दी थी बादशाह ने, तुम उस क्लिप को भी आगे देख सकते हो। अगला वाले का है गे भाई। अब एक और चीज़ बताता हूँ, तो ये कंफर्म नहीं है, थोड़ा सा थियरी टाइप है, वैसे तो होना चाहिए यही चीज़, कि एक गाना लाइव में सुनाया था जिसमें कि बॉलीवुड सैंपल ड्रिल बीट थी, जिसमें कि वो गाना नहीं है क्या मुझको राणा जी माफ़ करना, उसको सैंपल किया गया है। तो भाई बीट और बीट ड्रॉप बहुत ही सही साउंड कर रहा है, तुम आगे छोटी सी क्लिप देख भी सकते हो। सो भाई अगर ये करण भाई वाला कोलैब हुआ तो बस वही सवाद ही आ जाने फिर तो। तो भाई अब एक और चीज़ पे बात कर लेते हैं कि भाई इस गाने में किस किस बंदे का क्या क्या रोल है। तो भाई सिंगर या रैपर तो तुम्हें पता ही है बादशाह और करण भाई है, फीमेल सिंगर के होने के चांसेस तो कम है, बट हो भी सकते हैं पता नहीं। बाकी म्यूज़िक वीडियो की बात कर लेते हैं, तो भाई मोस्ट प्रोबेबली नोरा फतेही इस म्यूज़िक वीडियो में होने वाली है, क्योंकि जो करण औजला ग्लोबल करण भाई का सेकेंड पेज है उस पर भी वो स्टोरी शेयर करी थी, बादशाह ने भी शेयर करी थी, और पीछे तुम देखोगे तो करण भाई भी है। सो हाँ भाई, बाकी संदीप रिहान ने भी सेम स्टोरी शेयर करी थी, अब उनका तो क्या ही सेंस बनता था शेयर करने का, फिर भी करी है। सो भाई बहुत ज्यादा चांसेस है कि नोरा फतेही वीडियो में एज अ मॉडल होंगी। सो ये है, बाकी रिलीजिंग डेट मैंने तुम्हें बताई दी कि भी 18 जनवरी। बाकी भाई एक मेरी पर्सनल चॉइस है कि जैसा कि प्लेयर्स गाने में था कि करण भाई का थोड़ा सा है ना छोटा पार्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा बड़ा होना चाहिए, फीचरिंग टाइप कोलैब नहीं, एक प्रॉपर कोलैब होता है दोनों आर्टिस्ट का बराबर पार्ट, तब ज़्यादा स्वाद आएंगे भाई। बाकी तो बस यही है भाई, क्या ही बोलूँ भाई, मुझे तो बहुत ज़्यादा वेट है और करण भाई है और बहुत सारे बड़े बड़े कोलैब और कई सारे प्रोजेक्ट्स इस साल आने वाले हैं। सो भाई बर्थडे से स्टार्टिंग होने वाली है, सो बस भाई तकड़े हो जाओ। बस यही, अगर इतनी लास्ट तक देख रहे हो तो कमेंट में करण के साथ में फायर का इमोजी कमेंट कर देना, जिससे कि मुझे पता चल सके तुम इतना लास्ट तक देखते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना।